नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज, मैं स्वाति। गाय की पूजा कर हिंदुत्व की बात करने वालों की राज्य में गौवंशों की दुर्दशा है। जिनके राज्य में उनकी दुर्दशा है, उन्हीं के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाता है, तो यह सब सिर्फ और सिर्फ दिखावटी नौटंकी लगती है। दरअसल मामला उत्तर प्रदेश के चौपन थाना अंतर्गत चौपन गाँव का है, जहाँ चल रहे बृहद गौशाला में आए दिन मर रही गाय को लेकर शिकायतें मिल रही थी, जिसको संज्ञान में लेते हुए बीजेपी के मंडल अध्यक्ष तथा भाजपा के अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा अनियमितता को देखते हुए धरना प्रदर्शन किया गया। यहाँ चौपन थाना अध्यक्ष मौके पर मौजूद रहे। गौशाला पर दिवाली के एक दिन पहले चार गायों के मरने की समाचार छपने के बाद क्षेत्रों में सनसनी की खबर फैल गई तथा सोशल मीडिया पर भी चर्चाएं होने लगी। इसको देख बीजेपी कार्यकर्ता चौपन के मंडल अध्यक्ष व जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि तथा अन्य बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा स्थिति का जायजा लिया गया, जिनके सामने ही दो गायों को मृत पाया गया तथा दो से तीन गाय गंभीर मिली। मौके पर पहुंचे एसडीएम ओबरा ने जायजा लिया। वहीं कार्यकर्ताओं ने गौशाला के जिम्मेदार व डॉक्टर को निलंबित करने की मांग की है, जिसमें उप जिलाधिकारी ओबरा ने बताया है कि रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेज दिया जाएगा, जिस पर जाँच कर कार्यवाही की जाएगी। मौके पर चौपन थाना अध्यक्ष लक्ष्मण पर्वत भी मौजूद रहे। सब लगा रहे हैं, सब इसमें कब दिन लगा? तुम ईमानदारी से झाड़ू लगा रहे हो, दो दिन साफ हो जाता है। क्या कहते हैं, 12 बजे एक दिन में सब गंदगी हो? आज झूठ मत बोलिए, आज हम झूठ नहीं बोला जा रहा। 8:30 बजे हम लोग आए थे आपके पास, 7 बजे तो सब हमारे साथ थे, 6 बजे तक सब लोग इधर आए, हम उधर नहाने चले गए। तो कब लग गई? नहीं लगा तो सफाई तो आज नहीं लगा है, अपने घर समझ के सफाई कर रहे हैं, अपने घर सब सफाई, अपने घर समझ के सफाई कर रहे हैं। उधर लगा है, इधर नहीं। अरे यार, तो वो मोदी जी मान आ रहे हैं, पंचनाम हमारा लोग कुछ भारती नाम पड़ेगा, और मैं इस गांव का पूर्व प्रधान रहा हूँ दो बार। क्या मामला है प्रधान जी? मामला इस प्रकार के है कि यहाँ पर जो है, जब से गौशाला बना हुआ है तब से लगभग 400-500 पशुओं का यहाँ मृत्यु हो चुका। सही ढंग से इलाज नहीं हो पाता है, और सही ढंग से यहाँ न खली दिया जाता है, न चुनी दिया जाता है, न तो पानी दिया जाता है, न भूसा दिया जाता है। और यहाँ पर जो जो यहाँ पर मजदूर जो नियुक्त किए गए हैं, वो भी अपने घर पर रहते हैं और यहाँ पर एकदम नहीं रहते हैं, कोई माने देखभाल उनका नहीं किया जाता है। आप देखिए, यहाँ पर एक गाय को भाटा गया है खोद कर, एक गौशाला के बगल में ही भाटा गया है, देख लीजिए आप। और अभी 5 मिनट पहले जो है यहाँ पर जो है पूरा कुत्ते खा रहे थे, कौवा खा रहे थे पूरा। और इसी प्रकार से ये पूरा जो देख रहे हैं, इसमें क्या कहना चाहते हैं? आज चौपन जो स्थित जिला पंचायत की गौशाला है, उस गौशाले पे स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा बताए जाने पे, सुनील सिंह जो मंडल अध्यक्ष है उनके द्वारा दुहा सूचना देने पे जब हम आए हैं, तो दो गाय मृत मिली और एक गाय मरणासन थी, जिसकी अभी हाल में डॉक्टर बताएं कि वो भी मर गई है। और इसमें प्रथम दृष्टिया थोड़ी लापरवाही दिख रही है, मतलब जिला पंचायत के भी और जो डॉक्टर हैं उनका, आप लोगों के बताए अनुसार कि डॉक्टर मतलब पीरियडिकली विजिट यहाँ पर नहीं करते हैं। इसकी जांच हम जिला प्रशासन को देंगे, उच्च स्तरीय जांच करके उस पर कार्रवाई किया जाएगी। गौशाले में अच्छे प्रबंधन के लिए भी किया है। मौत का कारण क्या लगता है, जैसे उपचार की अभाव या व्यवस्थाओं का अभाव? नहीं, मौत के कारण में तो डॉक्टर के कथनानुसार बीमारी से मौत हुई है। तो बीमारियों पे अभी बचाव को लेकर के यहाँ पे क्या मुकम्मल इंतजाम किए गए? जैसे कि विजिट करने की बात अगर करें तो इतनी गाय है, इसके दौरान कितने डॉक्टर हैं और विजिट करने की क्या उनकी अनुपात सीमा है, जैसे दो दिन पे एक बार आना या प्रतिदिन आना? नहीं, करीब 250 के लगभग गायें हैं, तो डॉक्टर को तो यहाँ डेली आना चाहिए। डॉक्टर के लिए जो आप लोग बता रहे हैं, उससे हम अलग से पृथक से मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी महोदय को लिखा पढ़ी भी करेंगे कि यहाँ डेली आए और डेली निरीक्षण करें, क्योंकि इतनी मास स्केल में गायें हैं तो यहाँ पीरियडिकली का मतलब कि डेली आकर उनका निरीक्षण करना चाहिए डॉक्टर को। गायों के मौत के आंकड़े पर अगर गौर करें तो अभी हाल के दिनों में कुछ संख्या आपको अभी आकलन आपने बातों में पाया कि नहीं, कितनी मौत हो चुकी है बीते सप्ताह या बीते महीने में? नहीं, आज तो 3 गाय हमारे सामने मरी हैं, पिछले गायों का कोई आंकड़ा अभी हम नहीं देखे हैं, एग्जैक्ट आंकड़ा अभी नहीं मिल पाया है। और व्यवस्थाओं को लेकर यहाँ पे चारा पानी के इंतजाम में आपने अभी क्या कुछ पाया अभी आने के बाद आप जब विजिट किए? व्यवस्थाओं में जैसे एक शेड में यहाँ देखा गया है, जिला पंचायत के यहाँ जो के पंचूराम जी हैं, उसमें मतलब कबाड़ या गोबर रखे हैं, वो अति निंदनीय है। जहाँ गाय खाती है उसको उसमें शेड में नहीं रखना चाहिए, सब जो है उसको हटाने के लिए तत्काल निर्देशित किया गया। जैसा कि अभी ठंडी का भी मौसम चल रहा है, तो ठंडी को लेकर क्या मुकम्मल इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि ठंडी की आरंभ हो चुका है, तो गायों को लेकर ब्लोअर या ऐसे कोई इंतजाम किए गए हैं? ठंडी में जो परंपरागत उपाय हम लोग करते हैं,
पल्ली तान देंगे साइड से, बगल में उसमें बैठने के लिए पुआल वगैरह रखवाया जाएगा। मुख्यालय पे अभी गौशाला पे ब्लोअर वगैरह भी लगाए गए हैं, क्या यहाँ भी लगाने की कोई योजना है? अभी इसकी तरह की कोई बात होगी तो हम अपर मुख्य अधिकारी से बात करके बिल्कुल सुनिश्चित कराएंगे कि यहाँ भी वो व्यवस्था हो, मतलब ठंड से बचाव के मुकम्मल इंतजाम किए जाएंगे, बिल्कुल कराया जाएगा। अभी आपके स्तर से क्या कार्रवाई हो रही है सर इसमें? हम तो आज अभी निरीक्षण हेतु आए हैं, यहाँ से जाने के बाद रिपोर्ट करेंगे जिलाधिकारी महोदय को। सर जितनी भी गाय मरी हुई है उनका शव यहीं पे दफनाया गया है, इससे और गांव को भी तो इन्फेक्शन हो सकता है, तो ऐसा जो है कि सर इतनी घोर लापरवाही हो रही है, इसके खिलाफ क्या करेंगे आप? जी गलत है, हमने भी देखा, आप लोगों ने जो दिखाया कैंपस में, मतलब मृत गायों का जो डिस्पोजल नहीं होना चाहिए जी, कभी भी इन्फेक्शन हो सकता है, उससे अन्य गायों का स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा, तो उसे हम तत्काल अभी अन्यत्र ट्रांसफर करा रहे हैं।